सुमेरपुर में पेट्रोल पंप कर्मी के साथ हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में पेट्रोल पंप कर्मी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप कर्मी ही निकला है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट का प्लान बनाया था। कस्बा सुमेरपुर में 25 फरवरी की रात को पेट्रोल पंप कर्मचारी जो हरिश्चंद्र पेट्रोल पंप से अपना केश लेके पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचाने जा रहे थे, रात्रि में उनको साईं वाटिका के आसपास उनकी बाइक को रोक कर उनकी बाइक को घिरा कर जो कलेक्शन से भरा हुआ बैग ले जाने की लूट की वारदात हुई थी उसको पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया था। पुलिस अधीक्षक पाली ने स्वयं ने पहुंचकर मौका देखा था और इस संदर्भ में विशेष रूप से टीमें गठित की थी। हमारी टीमों में जिसमें विशेष तौर पर वृत्ताधिकारी सुमेरपुर रजत और रजत विश्नोई और दानाधिकारी श्री रामेश्वर, इनके नेतृत्व में टीमें गठित की थी और टीमों ने रात दिन लगते हुए अच्छा काम किया है। और इसमें जो कर्मचारी था पेट्रोल पंप का कर्मचारी जिसने हमारे को जो प्रार्थी था भरत मीणा जो कलेक्शन लेके जा रहा था वही इसमें संदिग्ध निकला, उसी ने अपने दो अन्य साथियों के साथ इस वारदात को किया है और उसने इस वारदात में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो अन्य आरोपी जो है उनके नाम गोविंद मेघवाल है और दूसरे का नाम लखन सुथार है और साथ ही जो कलेक्शन करने वाले ले जाने वाले